तो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली, तो इसमें क्या है कि ये जो पहला वाला सर्किट है, इसमें जो एल है वो भाई गायब है, जीरो है, और सी कैपेसिटेंस भी गायब है, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे इनका जो एक्सएल है और एक्स सी, इसमें सब जीरो के इक्वल है ही नहीं। तो इसमें अगर पहले वाले सर्किट में फॉर सर्किट ए, ए सर्किट का देखोगे तो जो करंट है वो में वो आई आर एम एस जो करंट होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना भाई, 220 वोल्ट ही है, और रेजिस्टेंस इसका आर है, वट एवर जो भी है, और रेजिस्टेंस 40 है। तो ये 220 वोल्ट और 40 इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। और फॉर इक्वेशन मतलब बी के लिए आई आर एम एस देखोगे, तो यहाँ से आई आर एम एस की अगर वैल्यू निकालोगे तो भी अपन यहाँ जेड आएगा ना भाई। आई आर एम एस यहाँ निकालोगे तो भी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ से। तो अगर तुम देखोगे यहाँ वोल्टेज आर एम एस, तो यहाँ वोल्टेज आर एम एस 220 वोल्ट है ऊपर वाला, और जेड, तो जेड की वैल्यू यहाँ देखोगे तो जेड एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट। अब तुम यहाँ देख रहे हो कि उसमें तो ये जीरो था, लेकिन इसमें ये कुछ न कुछ फिनिट वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जीरो नहीं हो रहा, नॉन जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड की वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी आर से। तो अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो इसको आई डैश बोल देते हैं। तो ऊपर ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, तो यहाँ से आई आर एम एस का कंपेयर, आई आर एम एस की वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ आई आर एम एस डैश, तो ये आ जाएगा वी आर एम एस और अपान जेड। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। तो अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करता हूँ तो मैं बड़े आराम से अपने सोल्यूशन लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है आई आर एम एस पहला वाला और ये इक्वेशन है, इन दोनों का कंपेयर कर दो। तो अगर इन दोनों में कंपेयर कर दोगे तो हमें पता चलेगा कि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन है आर से। तो आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करेंट इन सेकेंड सर्किट मस्ट बी लेस देन आई आर एम एस इन फर्स्ट सर्किट, ये वाली चीज़। तो अगर ये देखोगे तुम, बात करोगे यहाँ पर, तो आई आर एम एस कभी भी सेकेंड सर्किट का ग्रेटर नहीं हो सकता, हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन मैच करो, आर एम एस करेंट इन सर्किट बी कैन नेवर बी लार्जर देन ए, हमेशा लेस ही आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत होंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। और नहीं तो आपको खुश मतलब आप और भी चेक कर सकते हो, आर एम एस करेंट इन ए ऑलवेज इक्वल टू बी, ये भी गलत ऑप्शन है। आर एम एस करेंट इन बी कैन बी लार्जर देन, तो बी में आर एम एस करेंट लार्जर थोड़ी होगा, ये तो कम आ रहा है ना मेरे भाई। एट रिजोनेंस करेंट इन, एट रिजोनेंस दोनों में करेंट बराबर होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।